लखनऊ में एटीएम काट कर बदमाशों ने की बड़ी लूट। 40 लाख के करीब नकदी एटीएम से लूट ले गए बदमाश। लग्जरी कार से एटीएम लूटने पहुंचे थे बदमाश। बड़ी खबर लखनऊ से है। सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दाही बाजार का है ये पूरा मामला। एटीएम काट कर बदमाशों ने की बड़ी लूट। 40 लाख के करीब नकदी एटीएम से लूट ले गए बदमाश। लग्जरी कार से एटीएम लूटने पहुंचे थे बदमाश। सुशांत गोल्फ सिटी के खुर्दरी बाजार का ये पूरा मामला है। खबर लखनऊ से है जहां एटीएम काटकर बदमाशों ने बड़ी लूट की है। आपको बता दें कि बदमाशों ने लग्जरी कार से। खबर बुलंदशहर से है जहां किसानों की गेहूं की पकी फसल में लगी आग। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। कटाई कर रहे किसान आग पर काबू पाने का कर रहे हैं प्रयास। खबर बुलंदशहर से है। थाना अगौता क्षेत्र के गांव शाहपुर का ये पूरा मामला है जहां पर पकी फसल में आग लगी है। किसान की गेहूं की पकी फसल में लगी आग। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। कटाई कर रहे किसान आग पर काबू पाने का कर रहे हैं प्रयास। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता इकराम जुड़ेंगे। इकराम, एक गेहूं की फसल में आग लग गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी निकल कर सामने आ रही है इसको? किसान की गेहूं की पकी फसल में लगी आग। गेहूं की खड़ी फसल में आग लगने से खेतों में हड़कंप। कटाई कर रहे किसान द्वारा आग पर काबू पाने की ये जा रहा है प्रयास। देवी से आग लगाने का लगाया जा रहा है अनुमान। इकराम, आग लगने की क्या वजह सामने आई है? आग लगने की ये बता रहे हैं कि बेड़ी पी रहा था वहाँ किसान, बेड़ी के आग लग गई। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इकराम। लखनऊ में कल से बीजेपी मनाएगी सामाजिक न्याय सप्ताह। कल होगा भाजपा का स्थापना दिवस, जिसको लेकर बीजेपी कल से सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। कल से होगी अभियान की शुरुआत। बाबा साहब की जयंती पर 14 अप्रैल को होगा समापन। भाजपा के पदाधिकारी, मंत्री और प्रभारी मंत्री करेंगे सहभागिता। कल से बीजेपी मनाएगी सामाजिक न्याय सप्ताह। कल होगा भाजपा का स्थापना दिवस, जिसको लेकर बीजेपी सामाजिक न्याय सप्ताह मनाएगी। वहीं कल से इस अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। खबर लखनऊ से है जहां एटीएम काटकर बदमाशों ने बड़ी लूट की है। 40 लाख के करीब नकदी एटीएम से लूट ले गए बदमाश। लग्जरी कार से एटीएम लूटने पहुंचे थे बदमाश। 40 लाख के करीब की नकदी लूट ले गए बदमाश। सुशांत गोल्ड सिटी के खुर्दाही बाजार का ये पूरा मामला है। गड़बड़ी हुई है, जाके देखिए क्या हुआ है। हम जब यहाँ आए तो हमने देखा यहाँ शटर गिरा हुआ था, ताला बंद था, और उसके बाद उनको सूचना भी तुरंत आए। ताला तोड़ करके देखा गया तो अंदर स्मोक टाइप का था, जलान आ रही थी, तो हम समझे शॉर्ट सर्किट हो गया। बाकी उनकी टीम ने जब आकर चेक किया तो मालूम पड़ा कि इसमें चोरी हो गई है। अब जैसा वही लोग सब बता रहे हैं, यहाँ बातचीत हो रही थी, वो हमने सुना 35-40 के बीच में है, कुछ एग्जैक्ट हमको नहीं मालूम है कितनी रकम चोरी हुई है। क्या एटीएम साथ ले गए कार्ड? जी एटीएम साथ ले गए अपने, नहीं एटीएम पैसा निकाला है काट करके। सूचना पे तत्काल पुलिस तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। जांच में प्रथम दृष्टया जो तथ्य संज्ञान में आए, 3/4 अप्रैल की देर रात को संभवतः ये घटना कारित की गई, और जब एटीएम के साथ छेड़छाड़ की गई बदमाशों द्वारा, इसका एक अलर्ट इस कंपनी के हेडक्वार्टर पे जनरेट हुआ, जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप कंपनी से यहाँ लखनऊ स्थित जो सुरक्षा इंचार्ज है इस कंपनी के स्थानीय लेवल पे,
उनके पास एक अलर्ट रात को ही भेजा गया मैसेज और कॉल के माध्यम से, लेकिन उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कोई सूचना स्थानीय पुलिस को नहीं दी गई, बल्कि अगले दिन 4 अप्रैल को इनके द्वारा आकर मौके पर एटीएम की जांच की गई, जब इनको ज्ञात हुआ कि एटीएम में चोरी हो गया है। उसके बाद 4 अप्रैल की दोपहर करीब 1:30 बजे थाना पुलिस। लखनऊ में अतीक की बेटी की धरपकड़ के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप। एसटीएफ ने अतीक के परिवार और सहयोगियों पर दबिश की तेज। बहनोई अखलाक और नौकर शाहरुख से मिली अहम जानकारी। बड़ी खबर आपको बता दें, गुड्डू को छिपाने में अतीक की बहन का हाथ, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मोहम्मद कलीम जुड़ेंगे। मोहम्मद, अतीक के बेटे की धरपकड़ को तेज किया जा रहा है, वहीं पर देखिए अखलाक को गिरफ्तार किया गया था और उसके नौकर शाहरुख को भी, जिससे अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है इसको लेकर? देखिए, इस मामले में अगर हम आपसे बताना चाहेंगे नंदनी, तो जो यूपी एसटीएफ की प्रयागराज की टीम है, जो गवाह उमेश पाल की हत्या के मामले में अतीक का बेटा जो अदस और पूरे मामले की जो कमान संभालने वाली साहिस्ता की धरपकड़ के जो ऑपरेशन अब जो एसटीएफ के द्वारा क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, इसके लिए जो सहयोगी थे, जो रिश्तेदार थे, उन पर भी अब नजर रखी जा रही है। इनके जो क्रिमिनल केस थे उन पर भी अब कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अगर इस मामले में बात की जाए, जो अतीक पर बम फेंकने और गुड्डू को जो पना देने वाला जो मामला था, उनसे उनका बहनोई डॉक्टर अखलाक उन तक भी पुलिस पहुंची, लेकिन जो फुटेज सामने आया उसके बाद से 3 और लोगों के नाम अब एफआईआर में शामिल करने की बात सामने आ रही है, जिसमें अतीक की बहन आयशा और उसके रिश्तेदार भी शामिल है। और अगर इसमें हम ज्यादा बात करें तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, उमेश पाल की हत्या में जो शामिल गुड्डू, मुस्लिम को जो पना देने वाले अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक और नौकर शाहरुख, जो अहम विषय पर पुलिस ने जानकारी मिली है, इसमें सामने आया है कि अतीक की बहन आयशा का भी इस कनेक्शन में हाथ था, जिसने इन लोगों को भगाने में सहयोग किया था। उमेश पाल हत्याकांड की कमान में जो अतीक के साजिशा हाथ और जो शूटर सेफ स्थान पर भेजने के लिए जो काम किया गया था, उसमें जो इनका अखलाक है उसकी अहम भूमिका रही थी। लेकिन अगर इस मामले में हम ज्यादा जानकारी की बात करें, जो अतीक की पत्नी साजिशा है, क्योंकि साजिशा के विषय पे एक बड़ी बात सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसके पिता पुलिस विभाग में थे तो उसको मालूम था कि पुलिस अपना ऑपरेशन किस तरीके से चलाएगी और कैसे गिरफ्तारी करेगी, तो इसको लेकर के साजिशा पर भी एक बड़ा आरोप भी आया और बड़ा खुलासा भी हो रहा है, क्योंकि जो सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है, साजिशा का पिता मोहम्मद हारून यूपी पुलिस में एक सिपाही के पद पर तैनात थे। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोहम्मद। यूपी बीजेपी ने निकाय चुनाव से पहले बदले प्रभारी। खबर लखनऊ से है। दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की मिली जिम्मेदारी। आगरा नगर निगम प्रभारी ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा बने। शाहजहांपुर नगर निगम के प्रभारी नरेंद्र कश्यप बने। वाराणसी नगर निगम के प्रभारी पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह बने। कानपुर के प्रभारी औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी बनी। मुरादाबाद के प्रभारी पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद बने हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, यूपी में बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर अपने प्रभारियों को बदल दिया है, वहीं दोनों डिप्टी सीएम को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी मिली है। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिम्मेदारी तय की गई है और जिम्मेदारी तय होना भी चाहिए, क्योंकि अगर निकाय चुनाव को बेहतर तरीके से अंजाम देना है, बेहतर परिणाम लाने हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो निकाय चुनाव उत्तर प्रदेश में, ये 24 से पहले का सेमीफाइनल उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि अगर बात करें तो कहीं ना कहीं अगर देश की सत्ता को हासिल करना है, केंद्र में सरकार बनाना है, तो आपको उत्तर प्रदेश का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, और उसको लेकर उत्तर प्रदेश में कोई कुरकसर यहाँ पर बीजेपी नहीं छोड़ रही है, और जिसके लिए तहत यहाँ पर निकाय मिशन के तहत यहाँ पर दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य को 25-25 जिलों की जिम्मेदारी दी गई है कि वहां पर आपको काम करना है, वहां पर आपको चुनाव प्रबंधन देखना है, व्यवस्थाओं को देखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो महत्वपूर्ण नगर निगम की बात करें, आगरा नगर निगम की बात करें, तो वहां पर ऊर्जा और नगर विकास मंत्री एके शर्मा, उनको जिम्मेदारी दी प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा हम बात करें शाहजहांपुर नगर निगम की अगर बात करें, तो वहां नरेंद्र कश्यप को प्रभारी बनाया गया है। अगर हम वाराणसी की बात करें, तो वहां पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह प्रभारी बन चुके हैं। अगर हम कानपुर की बात करें, तो जो औद्योगिक विकास मंत्री हैं नंदगोपाल गुप्ता नंदी, जो कि मुख्यमंत्री के बड़े भरोसेमंद चेहरों में एक है, उनको यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। मुरादाबाद की बात करें, तो वहाँ पर जितिन प्रसाद को यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। सहारनपुर की बात करें, तो योगेंद्र उपाध्याय को प्रभारी बनाया गया है। गाजीबाद में
असीम अरुण को प्रभारी बनाया गया, जो कि पहले कानपुर के कमिश्नर रह चुके, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जीत कर आए थे। इसके बाद अगर हम झांसी की बात करें तो वहाँ पर प्रभारी बेबी रानी मौर्य को बनाया गया है, जो कि उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल भी रह चुकी है, और यहाँ पर अलीगढ़ नगर निगम में प्रभारी गन्ना मंत्री जो लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो पहले उत्तर प्रदेश सरकार के पहले कार्यकाल में, योगी सरकार पहले कार्यकाल में दुग्ध विकास मंत्री थे, इस बार गन्ना मंत्री उनको बनाया गया है, उस बार उनको अलीगढ़ का नगर निगम का प्रभार भी उनको दिया गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जरूरत भी है कि जो महत्वपूर्ण चेहरे उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, जिससे कि बेहतर परिणाम सामने आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात नंदिनी यहाँ पर यह है कि जितने भी योग यहाँ पर प्रभारी बनाए गए हैं वो सभी योग्य है, और उन्होंने अपनी अपनी व्यवस्थाओं में यहाँ पर परचम गाड़े हैं, और सरकार देखते हुए और बीजेपी की यही नीति है कि बेहतर हम कामों को अंजाम दें, और यहाँ बेहतर लोगों को प्रभार देते हुए बीजेपी की एक नीति है कि हमको यहाँ पर बेहतर परिणाम लाने हैं। और निकाय चुनाव महत्वपूर्ण चुनाव है, और 760 निकाय पे चुनाव होने हैं, और बीजेपी की यहाँ पर यही कोशिश रहेगी कि यहाँ पर अधिक से अधिक सीटें जीत कराई जाए। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। प्रदेश भर में करेंगे सपा सामाजिक आंदोलन, मिशन काशीराम के जरिए नई सोशल इंजीनियरिंग, आम चुनाव के मद्देनजर सपा का सामाजिक आंदोलन, उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जाएंगे सपा नेता, दलितों के बीच जातीय जनगणना के बारे में बताएंगे सपा नेता, सपा की बाबा साहब वाहिनी गांव गांव करेगी भ्रमण, आज महाराज निषाद राज की जयंती पर होगा आयोजन, जयंती के मौके पर पूरे प्रदेश में होगा आयोजन। पिछड़ा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की निगरानी में होगा ये आयोजन, जयंती पर राजधानी लखनऊ में किया गया था दीपोत्सव। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विभांशु जुड़ेंगे। विभांशु, निकाय चुनाव को लेकर देखिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल तैयार है, अलग अलग योजना निकाल रही है, और यही काशीराम के जरिए नई सोशल इंजीनियरिंग को गांव गांव तक पहुंचाएगी वो। जी बिल्कुल नंदनी, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरी अगर देखे तो एक्टिव मोड पर जमीन पर नजर आ रही है। अगर बात करें तो अलग अलग वाहिनियों के द्वारा अलग अलग कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर महीने अगर बात करें तो 10 जिलों का भ्रमण कर रहे हैं, पुराने नेताओं से मिल रहे हैं, पुराने पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव अपने समाजवादी पार्टी के तमाम जो पुराने नेता हैं उनकी वापसी के लिए एक मंच तैयार कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो आपने देखा कि तमाम नेता हाल फिलहाल में समाजवादी पार्टी में एक बार फिर अन्य दलों से आकर और सपा का सदस्यता लिए हैं। उसी क्रम में आपको बताएं कि इन्हीं सबको मद्देनजर रखते हुए पार्टी की तरफ से तमाम यात्राएं भी निकाले जाने की बात कही जा रही है। अगर बात की जाए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की अगुवाई में एक यात्रा निकाली जाएगी, जिसका नाम देश बचाओ देश बनाओ रहेगा। इसमें तमाम जिलों में जाएगी, और दूसरी तरफ मिशन काशीराम के जरिए सोशल इंजीनियरिंग के माध्यम से जो तमाम देखे तो काशीराम जी के और साथ ही साथ बाबा साहब के जो अनुयायी हैं उनको अपने तरफ करने का प्रयास कर रही है। अगर बात करें तो आम तौर पर जो समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव हो या लोक उत्तर प्रदेश में अभी विधानसभा के एक बजट सत्र हुआ, उसमें जाति जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से सपा उठाते हुए नजर आई। और बात करें तो अब इसको लेकर आम जनमानस के बीच कार्यक्रम के माध्यम से यानी कि मिशन काशीराम के माध्यम से दलितों के बीच जाति जनगणना की मांग के बारे में बताएंगे, और उन्हें जो काशीराम जी का संदेश था उन्हें याद करवाएंगे। आपको बताएं कि इसमें अगर देखा जाए तो बाबा साहेब वाहिनी गांव गांव जाकर और लोगों से आम जनमानस से जाति जनगणना और साथ ही साथ आरक्षण बचाओ के तहत लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास करेगी। नंदनी, अब देखने वाली बात ये होगी कि जहां समाजवादी पार्टी 2022 लोक विधानसभा चुनाव के बाद जो सुर है वो बदल चुके हैं, अब अगर बात की जाए तो एक तरफ जहां मुलायम सिंह जी और काशीराम जी की साथ गठजोड़ करके और समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव और निकाय चुनाव को अपने पाले में करने का हर मुमकिन प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी इन दोनों कॉम्बिनेशन से क्या सपा को
लाभ होता है। अगर देखें तो अब तक समाजवादी पार्टी MY फैक्टर पर माना जाता था काम करती थी, यानी कि मुस्लिम और यादव जो हैं उनको अपने तरफ खींचने के लिए लगातार काम करती थी, और अब उसमें SC ST समाज को अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से साधने का प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव में कितना इसका लाभ मिलता है, वो आने वाले समय में साफ होगा। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभांशु। राष्ट्रीय लोक दल का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर रालोद ने प्रदेश सरकार को घेरा। रालोद का ट्वीट आया है जिसको लेकर सरकार को घेरा गया। ट्वीट कर यूपी में न्याय का मृतकाल बताया है। राष्ट्रीय लोक दल का ट्वीट सामने आया है। ट्वीट कर रालोद ने प्रदेश सरकार को घेरा है, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश में न्याय को मृतकाल बताया है। ट्वीट कर यूपी में न्याय को मृतकाल बताया रालोद का ट्वीट सामने। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।